11 और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2023 किया सोनेट एसटीके प्लस वेरिएंट। स्पेसिफिकली अगर हम पेट्रोल वेरिएंट की बात करते हैं तो उस सेगमेंट में मतलब पेट्रोल वाले सेगमेंट में इसका ये एसटीके प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा बिकता है। अब उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं और कुछ ये गाड़ी की मतलब प्रोफाइल भी कुछ इस तरीके की है, फिर इसका प्राइस पॉइंट भी है। मतलब कुल मिला के मैं तो सारी चीजें आपको बता दूंगा, आप बताना कि आपके हिसाब से कहां जस्टिस करती है गाड़ी। ये 2023 वाला वेरिएंट है, जो भी अपडेट्स इसके अंदर होनी थी वो हो चुकी हैं। अब क्या क्या चीज आपको ऑफर करती है गाड़ी, वो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। और भाई धूप देख रहे हो, मतलब एक गर्मी देख रहे हो यार, मतलब फोन इतना गर्म हो रहा पकड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल। तो प्लीज अप्रिशिएट कर देना इस मेहनत को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं तो कीमत की बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी आपको एक शोरूम कीमत बताता हूँ, 9,64,000 रुपए, 9.64 लाख रुपीज एक शोरूम आपको कॉस्ट करेगी दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी करेगी कि किस डीलर पे आपको क्या ऑफर मिल जाता है। बाकी अभी चाबी से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको चाबी देखने के लिए मिलती है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की। दोनों चाबियां सेम है, सेम कंट्रोल्स के साथ हैं। डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है, बूट के यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो। और यहाँ पे फ्लिप की आती है कुछ इस तरीके की, जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी। तो एक ये चीज़ें हैं। और अब भी रख लेते हैं इसको जेब में, पॉकेट में मतलब अपनी में इस चाबी को। और अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो इसकी डायमेंशन वगैरह, ये कुछ इतनी लंबी ऊंची चौड़ी है। ये हवा चल रही है बहुत गंदी आज, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई। धूप है, ऊपर से हवा चल रही है, तो उसकी वजह से रेत उड़ उड़ के आ रहा है इसके ऊपर। आप देख सकते हो कहाँ पे खड़ी हुई है, थोड़ा सा मतलब ये मेंटेनेंस का काम चालू है यहाँ पे, तो उस चक्कर में थोड़ी गंदी हो रही है, उस चीज़ को माइंड मत करना प्लीज़। और इसकी लुक्स देखो आप, काफ़ी ज़्यादा मतलब एलिगेंट सी लगती है, मतलब शार्प सी प्रोफाइल इसकी मुझे लगती है, थोड़ी जो माचो प्रोफाइल होती है ना वैसी सी कुछ, मतलब हाँ एग्रेशन है इसके अंदर। ये देखो कुछ इस तरीके से है और ब्लैक कलर में खड़ी हुई है, शानदार लग रही है। यहाँ पे हेलोजन बेस हेडलैम्प्स का सेटअप है, इंडिकेटर्स वगैरह हैं, फॉग लैम्प आते हैं यहाँ पे, जो कि अपना प्रोजेक्टर बेस ही आपको मिलेंगे। ये अपना जो कप्स वगैरह इनके देख रहे हो चारों तरफ आप, ये अपना क्रोम में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। सामने ग्रिल जो है ब्लैक के ऊपर आपको नॉर्मल लग रही होगी, बट ये अपना ग्लॉसी ब्लैक है। और इससे नीचे जो दूसरे इसके वेरियंट आते हैं वहाँ पर थोड़ी मैटी फिनिश में आती है, मतलब एसटीई वगैरह की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी मैटी फिनिश में आती है। नीचे का जो लिप है ये प्रॉपर क्रोम में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हर कलर के ऊपर ये सिल्वर कलर का ही मिलेगा। आप किसी भी कलर की गाड़ी ले लेना, सिल्वर लोगे सिल्वर पे भी सिल्वर ही मिलेगा। क्लैडिंग वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है और बहुत सही मतलब एक्यूरेट रेशियो में दी हुई है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के ऊपर जस्ट क्लैडिंग की क्लैडिंग दिख रही है या फिर ऑकवर्ड लग रही हो क्लैडिंग की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सही रेशियो इसका दिया हुआ है। टायर सेक्शन वगैरह की बातचीत करें तो यहाँ पे MRF के आपको टायर्स ऑफर होते हैं, 215, 60, 8, 16, 16 इंच के कुछ ऐसी मिलती है यहाँ पे। स्टील व्हील, ये व्हील कैप्स हैं इसके ऊपर जो लगे हुए, दूर से लो जैसे लगते हैं बट ये हैं स्टील व्हील। तो एक ये फायदा यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने मतलब कोई ऐसी गाड़ी ली जिसके अंदर अलॉयज नहीं आते हैं, तो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी इसके बारे में। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 205 mm की गाड़ी आपको ऑफर करती है ग्राउंड क्लियरेंस। और ये है इसकी साइड प्रोफाइल, ये देख लो कुछ इस तरीके से। और बढ़िया मतलब क्रोम के जो दो तीन एलिमेंट लगे हुए हैं, ये आई थिंक एक्सेसरीज का पार्ट है। और एक बार चेक ही कर ले, ये तो है एक्सेसरीज का पार्ट, ये भी, ये डोर हैंडल वगैरह मतलब ये एक्सेसरीज का ही पार्ट है, जो क्रोम का पार्ट आप देख रहे हो, रेन वाइजर वगैरह एक्सेसरीज का पार्ट है। रूफ रिल्स आती हैं इस वेरियंट में, आपको कोई सनरूफ वगैरह नहीं मिलती है। बॉडी कलर ORVM से इंडिकेटर्स के साथ आते हैं ये। और पीछे की साइड चले ऐसे ही, तो ये देखो पीछे से कुछ इस तरीके की दिखती है, शानदार सी मतलब बढ़िया लगती है। कुल मिलाकर आपका परिवार छोटा है और एक छोटे इंजन के साथ, मतलब छोटा इन दी सेंस मतलब 1200 cc का इंजन आता है इसके अंदर, बट एक SUV जैसा स्टांस मिल जाता है एक कैपेबल इंजन के साथ। तो यहाँ पे माइलेज वगैरह भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। गाड़ी बड़ी भी लगती है और इकोनॉमी भी मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक निकाल के दे देगी। हाईवे पे या शहर में अगर आप चलाते हो तो वो टोटली अपने चलाने को डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, शार्प इन एंटीना है यहाँ पे, छोटा सा स्पॉयलर भी है मतलब बॉडी के अंदर ही मर जाए तो ये एक चीज़ ऐसी है। यहाँ पे स्टॉप लैंप वगैरह है, डिफॉगर आ जाता है यहाँ पे, और ये टेल लैंप्स वगैरह कुछ इस तरीके के यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और ये ऊपर वाला तो आई थिंक LED वाला ही, नीचे ये जो है ये हेलोजन बेस आपको मिलते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, दो पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, किया का लोगो है। और जस्ट इसी के ऊपर यहाँ पे रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, सोनेट यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको। और ये देख सकते हो डुअल शेड में बम्पर है, मतलब ये अपना बॉडी कलर है और ये नीचे से मैट ब्लैक आपको मिलता है। और सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और ये देख सकते हो थोड़ा डिजाइन एलिमेंट यहाँ पे मिलता है। और इसे खोल के दिखाते हैं आपको बूट को अभी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक बटन आपको ऑफर हो जाते हैं जिसे प्रेस करके आप अपना बूट जो है एक्सेस कर सकते हो। और ये देखो जी यहाँ पे पार्सल ट्रे आ जाती है। और बूट की बात करें तो 392 लीटर्स की अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है,
और यहाँ पे कोई बूट लैंप वगैरह आपको नहीं मिलता है। और ये चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये मैट वगैरह, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। और अभी इसके स्पेयर व्हील को भी दिखा देते हैं, तो ये देख लो, ये कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा स्पेयर व्हील। ये गुडियर का है, जो स्टैंडर्ड चारों टायर हैं वो आपको MRF के मिलते हैं। और इसके सेक्शन की बात करें तो 195/65 R15 15 इंच की प्रोफाइल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा स्टील व्हील। और अभी से कर लेते हैं बंद, ये इसका कवर वगैरह ये एक्सेसरीज में ही है। और अभी चलते हैं अंदर गाड़ी के और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है ये, और जो अपडेट्स हुई हैं मेनली वो अंदर ही हुई हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। और इधर की साइड लेफ्ट साइड से डलेगा इसके अंदर पेट्रोल इस साइड से, और अभी चलते हैं फटाफट से अंदर की साइड और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये लो जी, गर्मी इतनी हो रही है भाई, कुछ रह जाए या फवल कर जाऊँ ना प्लीज़ माइंड मत करना, बता देना। तो आगे बढ़ते हैं। ये डोर लिवर्स वगैरह सिल्वर कलर के मिलते हैं, चारों पार विंडोज़ आ जाते हैं यहाँ पे, डोर्स के लॉक ORM इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक ये चीज़ है। ये फोल्ड भी इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे और एडजस्ट भी इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे यहाँ पे। और स्पीकर है, दो ट्विटर्स भी यहाँ पे मिलते हैं, और चारों डोर्स में आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अम्ब्रेला होल्डर है, पोर्टल होल्डर है, इसका प्लेट्स वगैरह एक्सेसरीज का पार्ट है। 6-way मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे सीट आती है, और ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं कुछ इस तरीके पैटर्न के साथ। नीचे 3 पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच, और डेडिकेटेड यहाँ पे अपना डेड पैडल दिया हुआ है। एडी स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, लाइट लेवलिंग डायल है यहाँ पे। और अभी अंदर चलते हैं और अंदर की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि अंदर से गाड़ी आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है और किस तरीके से सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं। और अभी चलते हैं अंदर। भाई फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा यार, इतना गर्म फोन हो रहा, मतलब फोन नहीं पकड़ा जा रहा, उबल के भाई। ये देखो भाई चेहरा मेरा, तो इतनी गर्मी हो रही है ना, लिटरली इतनी गर्मी हो रही है कि मेरा बोलने तक का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें भाई, पापी पेट का सवाल है। तो ये ऑन करके दिखाता हूँ आपको गाड़ी फटाफट से, इससे पहले मेरा फ़ोन बंद हो जाए क्योंकि बहुत गर्म हो गया है। तो एक बार इसे आप ऑन करोगे, स्टीयरिंग व्हील जो अपना अनलॉक हो जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है, गाने वाने आप इसमें प्ले कर सकते हैं इस सिचुएशन पे। और सेकंड टाइम जब आप इसे ऑन करोगे, मैं गाड़ी स्टार्ट ही कर देता हूँ। ये लो, तो ये ऑन हो चुकी है अभी, ये देखो स्टीयरिंग व्हील। अभी इसके अंदर से ना वो फ्यूज वगैरह निकाला हुआ, इस चक्कर में आपको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, अदरवाइज ये देख लो, एक हाथ से मैं इसको घुमा पा रहा हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, एसी वेसी इसका ऑन हो चुका है। सामने ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये एनालॉग प्लस डिजिटल का एक बढ़िया सा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब स्पीड वगैरह यहाँ पे आपको डिजिटल मिलेगी। MID है, जिसके अंदर आपको गाड़ी से रिलेटेड जितनी बेसिक और बेसिक से थोड़ा ऊपर की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये पीछे आप देख रहे हो, तीनों एडजस्टेड हेडरेस्ट, सीट बेल्ट वगैरह, वो नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और ये RPM वगैरह है, फ्यूल है, टेम्परेचर वगैरह है। और इधर की साइड आते हैं अपने वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें आपको ऑफर हो जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, MID के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसकी एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो ये आपको टिल्ट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसमें नहीं है। एयरबैग्स की बात करें तो 4 आते हैं इसके अंदर, 2 यहाँ पे आ गए हैं, 2 सीट्स के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ की बात करते हैं एक सेकंड में, ऊपर की साइड यहाँ से दिखा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे अपना देखोगे तो वैनिटी मिरर है, एयरबैग की वेजिंग यहाँ पे भी दी हुई है, और यहाँ पे येलो कलर की रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं कुछ इस तरीके की। सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRV हम आपको मिल जाता है, और यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। लिटरली इतनी गर्मी हो रही है भाई, इतनी गर्मी हो रही है, अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो आप ऐसे देखना, किसी की गाड़ी अगर ऐसे धूप में खड़ी हो ना, उसके अंदर जाके बैठ के देखना वीडियो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या फील कर रहा हूँ उस टाइम पे। AC ऑन है बट अभी तक पसीने नहीं रुक रहे हैं भाई, इतनी ज़बरदस्त गर्मी यार, पता नहीं क्या ही होकर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। फिजिकल नॉब्स एंड कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये ऑटो AC आता है इसके अंदर, ये अपना AC वेंट्स वगैरह हैं। ये सिल्वर हाईलाइट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इनके स्पेस वगैरह है, 12 का चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट है, और एक USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है। स्पेस वगैरह मिल जाती है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ इस तरीके का आता है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आपको मिलते हैं। हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ, आर्म रेस्ट है जिसके ऊपर लेदर रैपिंग की हुई है, और आप इसे यूज़ कर सकते हो, अच्छी खासी स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, पेपर वर्क जो है आपका इजीली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट्स में भाई, बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल गर्म हो रही है गाड़ी। तो कुछ चीज़ रह भी गई तो उसके लिए सॉरी पहले ही। अभी चलते हैं पीछे, सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, और अभी पीछे देखते हैं पीछे क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या कंट्रोल्स मिलते हैं, कम्फर्ट कैसा, और लास्ट अपने इंजन कंपार्टमेंट की बात करेंगे। अभी चलते हैं पीछे, पीछे के स्पेस वगैरह की यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो ये देख लो, डोर पैनल पहले, ग्रैब हैंडल है, सिल्वर डोर लिवर है, पावर विंडो, स्पीकर, बोटल होल्डर, सारी चीज़ें हैं। इसका प्लेट्स कुछ इस तरीके की आपको मिलेंगे अगर आप लगवाना चाहते हो तो। और अभी चलते हैं पीछे और पीछे के स्पेस वगैरह की बातचीत करते हैं। तो देखो, स्पेस में कोई कमी नहीं है, यही चीज़ मैं बोल रहा था कि देखो
प्रोफाइल काफी बड़ी बड़ी सी है इसकी, तो उसकी वजह से अंदर थोड़ी स्पेस अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, और सीट्स कंफर्टेबल है, नो डाउट, उसमें कोई कहने वाली सुनने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम शानदार पोजीशन में बैठ गया हूँ भाई। शरीर ऐसा टूट गया, मतलब मैं 3 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ भाई इस वीडियो को शूट करने के लिए, लगा 10 बजे मैं निकला था सुबह और मैं 1 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो अब लगा लो कैसी हालत हो रही होगी मेरी यहाँ पे। तो मुझे तो मजा सा आ गया बैठते ही। तो यहाँ पे स्पेस वगैरह आप देख सकते हो, 5 में मेरी हाइट है, ये सीट ऑलमोस्ट मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके आऊँ, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे, तो उसके हिसाब से और अब भी कंफर्टेबली लेट के बैठा हूँ, तरीके से बैठूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतनी स्पेस मिल जाती है। और हेडवोन तो क्या ही देखो भाई, देख लो चेहरा तो मतलब पसीना पसीना हुआ पड़ा। और यहाँ पे 2 रेयर एसी वेंट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है भाई गर्मियों में। और यहाँ पे USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, स्पेस वगैरह है, यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है, यहाँ पॉकेट नहीं मिलती है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। और ये देखो ये सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तीसरे बंदे के लिए जो बीच में बैठेगा, एकदम प्रॉपर सीट बेल्ट यहाँ पे आपको मिलती है। कुशन्स वगैरह जो आप देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये आप भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, किया के कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। और मिनिमल से हम पे 3 बंदों को बैठे हैं, कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। और अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ आपको कि इंजन में क्या मिलता है और क्या पावर फिगर्स वगैरह इसकी हैं फिलहाल। और अभी इंजन कंपार्टमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको नहीं मिलती है। दूसरा यहाँ पे मिलता है 1197 cc का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 81 bhp ऑलमोस्ट डेवलप करता है, 115 Nm का टॉर्क जो है डेवलप करता है, और 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, जिससे 18 के आसपास की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 1 लीटर पेट्रोल में। तो ये है आपके सामने इंजन कंपार्टमेंट, थोड़ी मिट्टी विट्टी है वो आप समझ सकते हैं क्यों है यहाँ पे। और अभी हम इसे बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं सेकंड में ही। सो ये थी आपके सामने 2023 किया सोनेट ST के प्लस वेरिएंट था इसका ये। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर करना कमेंट्स में, और अगर ये मेहनत मेरी सही जगह पे लगाई जा रही है, एफर्ट जो मैं सही जगह पे डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कर देना। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता, अच्छी अच्छी लाइक कर देता, वीडियो को शेयर कर देता आगे की तरफ, तो प्लीज़ कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और बताना कमेंट्स में आपके हिसाब से प्रोडक्ट कैसा है ये, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।